अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब भाई होंगे, मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सो गाइस, मैं हूँ इस वक्त पथरियाटा में और अभी मैं जा रहा हूँ वापस इस्लामाबाद और उधर से फिर सियालकोट। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बाज़ार भी दिखाता हूँ और उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरी फ़ोटोज़ तो लाई गई हैं तो उसके हाथ में मैंने देखी है अपनी फ़ोटो, तो फ़ोटो जा कर लेते हैं। ये सो गाइस, ये मेरी दो फोटोज़ हैं जो कि एक ही पोज में है, लेकिन ये एक नहीं देते तो दोनों लेनी पड़ती है। अच्छा, जब उसने देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसने कहा कि नहीं, आपकी सेम पोज में तो आप एक ही फ़ोटो ले जाएं। तो मैं एक ही फ़ोटो लेकर अब जा रहा हूँ और बाज़ार ये बिल्कुल वैसा ही जैसे माल रोड पे मैंने आपको दिखाया था। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, गर्मी भी बहुत लग रही है। जो एक फ़ोटो उसके पास है तो वो अपनी एल्बम में लगा लेगा। सो गाइज, चेयर लिफ्ट का बहुत मज़ा आया और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं न्यू मड़ी से और इस्लामाबाद से होते हुए सियालकोट जाएंगे। ये रास्ता भी सीधा पहले वहाँ ही जाता है जहाँ पर हमने सुबह नाश्ता किया था चाय खाना से, और फिर वहाँ से टर्न लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। ये अभी जो है ना, ये पहाड़ इसमें अभी चढ़ाई है और रास्ता भी ये बहुत शॉर्ट है। यहाँ से नजर आएगी चेयर लिफ्ट, वो ये देखे, ये बिल्कुल सीधी जो लाइन है ना, ये चेयर लिफ्ट की लाइन है और ऐसे लगता है जैसे ये रुकी हुई है, लेकिन ये चल रही होती है। बाकी जो दरख्त आगे आ गया तो इतना सही क्लियर नजर नहीं आएगा। A few moments later. सो गाइस, न्यू मड़ी वाला पहाड़ हमने क्रॉस कर लिया है और अभी हम जितनी चढ़ाई चढ़नी थी हमने चढ़ ली है। अभी हम जाएंगे नीचे को और ये वो सामने मड़ी है, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से भी दिखाता हूँ। और अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। ये जो ऊपर आपको दो टावर नज़र आ रहे हैं ना, ये सारा मड़ी है और नीचे ये सब जो है ना रूम से नज़र आता था और यही रास्ता जाता सीधा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का बहरिया टाउन भी नज़र आता था ऊपर रूम से, और अभी यहाँ से हमारा रूम नज़र नहीं आ रहा। मस्त जोक मारा रे। और मौसम इस वक्त बहुत ही कमाल का हो गया, पहले थोड़ी सी गर्मी थी लेकिन अभी जो है ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, बहुत ही कमाल यहाँ से व्यू चेक करें, बहुत ही कमाल का व्यू है और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम इस्लामाबाद जाएंगे वैसे वैसे गर्मी ज़्यादा होती जाएगी। सो गाइस, मड़ी हमने क्रॉस कर लिया और आगे अब यहाँ से इस्लामाबाद शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो है ना पहाड़ मज़ीद आगे भी हैं, मैदानी इलाका जो हम जेलम क्रॉस करेंगे उसके बाद जाके शुरू होगा, तो अभी पहाड़ ही पहाड़ आगे भी। अभी आगे छोटी सी एक मोटरवे आएगी तो अभी हम मोटरवे क्रॉस करेंगे और नीचे जो होगा ना वो सारा एक शहर है अंगूरी, जो कि इस तरफ को है, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी बिल्कुल सीधा है। लेकिन हम उस पुल के ऊपर से गुजरते हुए सारा जो नीचे शहर है उसको जल्दी क्रॉस कर लेंगे, नहीं तो अगर हम नीचे सिटी से होकर जाएँगे तो बहुत टाइम लगेगा। वो जो सामने आ रही है ना, वो पता नहीं क्या मस्जिद बनी हुई है, शेप तो उसी तरह की है, लेकिन ये जब मैं मड़ी जा रहा था तब भी मैंने आपको दिखाई थी। तो अगर जो जो मड़ी आते हैं या जिन्होंने ये रास्ते में देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ये क्या चीज़ है। अगर कोई मस्जिद नहीं है तो क्या है ये, फिर मुझे तो मस्जिद ही लग रही है। वैसे इसकी बात कर रहा था मैं, ये ब्रिज है एक जो कि मोटरवे टाइप बना हुआ है, तो इधर से हम क्रॉस करते हुए सीधा इस्लामाबाद से होते हुए आगे जाएंगे। और ये जो नीचे से रास्ता जा रहा है ये जा रहा है अंगूरी सिटी के अंदर से होते हुए। नीचे से भी हम इस्लामाबाद जा सकते हैं लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होगी, चौक भी मज़ीद होंगे, तो ऊपर से बहुत ही ईजी है। यहाँ से ही हम मरी भी गए थे। ये शायद अज़रबैजान के झंडे इन्होंने लगाए हुए हैं, तो वो प्रेसिडेंट होके चला भी गया है और ये अभी तक ऐसे ही लगे हुए हैं।
जब हम मरी जा रहे थे उस वक्त सिर्फ एक साइड के झंडे नज़र आ रहे थे, क्योंकि जाने वाला जो मरी जाने वाला जो रास्ता ना वो नीचे नीचे से है, उस पर ब्रिज नहीं आता। अभी जो अब हम वापसी पर आ रहे हैं तो यहाँ पर ब्रिज है, इसलिए दोनों साइडों में उन्होंने झंडे लगाए हुए हैं। ओए ये किधर आ गया? मरी में हमने गोल्डन देखा था, यहाँ पर सिल्वर है। लगता है इसका एक गुमशुदा भाई है जो कि एक इस्लामाबाद में रह गया, एक मरी में चला गया। सो अभी हमने इस्लामाबाद क्रॉस कर लिया, इस्लामाबाद से हम निकल गए हैं और अभी ये हम रावत हैं और यहाँ से हम जाएंगे सीधा सियालकोट। सीधा इतना नहीं है, वज़ीराबाद से हमने टर्न लेना है और ये सामने मेहरान वाले का हाथ देख कर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर गर्मी स्टार्ट हो गई है। उसने पूरा हाथ अपना पहले बाहर निकाला हुआ था। अभी हमने गुजरहां क्रॉस कर लिया और इस वक्त ये दीना शुरू हो गया और इसके बाद फिर आएगा जेलम। A few moments later. सो अभी हमने जेलम भी क्रॉस कर लिया, सराय आलमगीर भी क्रॉस कर लिया और अभी हम ये खाड़ियां भी क्रॉस कर रहे हैं। सो गाइज़ मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई लो, लेकिन हमारा जो स्टे है वो गुजरात किनारा होटल में है, तो अगर वहाँ पर मुझे चार्जिंग पॉइंट मिल गया तो मैं चार्ज करके व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं तो फिर एंड कर दूँगा, क्योंकि मैं गाड़ी के साथ चार्ज नहीं करता क्योंकि बैटरी का बहुत मसला होता है। सो जब तक मेरे से बनता है तब तक मैं बनाता हूँ। सो अभी हम गुजरात आ गए, लेकिन गुजरात का जो निशान है ना वो लेफ़्ट साइड पर है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि वो सिटी है, तो हम बाहर बाहर से ही जाएंगे सीधा वज़ीराबाद। तो गुजरात क्रॉस करने के बाद वहाँ पर आएगा दरियाए चिनाब के पास किनारा होटल, तो वहाँ पर हम स्टे करेंगे। ये है जी दरियाए चिनाब और वो सामने है किनारा होटल जहाँ पर हमारा स्टे है, और मोबाइल की बैटरी फुल डेड है, बस ये 2 या 3 मिनट में फ़ोन बंद हो जाएगा। सो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अपना भी खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। मिलता हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।